वेलकम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परेश कुमार वाडिया और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल वाडिया भाई। दोस्तों, गुजरात के खास तौर पे जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज़्यादा मूंगफली का पाक तैयार होता है और हर किसान वो अपने खेतों में मूंगफली की फसल लगाते हैं। तो दोस्तों, मूंगफली में इस बार ज़्यादा बारिश के कारण काफ़ी सारे रोग आए हुए हैं और उनके लिए ये जो किसान है वो इसमें कैसे दवा का छिड़काव करते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ अभी मूंगफली की फसल कैसी हुई है वो भी बताने वाला हूँ। हालांकि इस बारिश के चलते हुए इस बार गुजरात के किसानों को ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मूंगफली की फसल में ज़्यादा बारिश के कारण रोग हुए हैं और इसी के कारण ये मूंगफली की फसल बर्बाद हुई है। कुछ फार्मर है जिनकी मूंगफली अच्छी है और बाकी ज़्यादा मात्रा में मूंगफली की फसल बर्बाद हो चुकी है, इसलिए इस बार फार्मर को ज़्यादा मुआवजा नहीं मिल सकता। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मूंगफली में अभी कैसी फसल है और उसमें कैसे दवा का छिड़काव गुजरात के किसान करते हैं। तो लेट्स गो, देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो ये मूंगफली है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक ये पूरी की पूरी मूंगफली लगी हुई है। इसमें काफ़ी रोग आए हुए हैं और मूंगफली अच्छी नहीं है। दोस्तों, मूंगफली ज़्यादातर ज़मीन के अंदर ही होती है, कभी ऊपर नहीं होती। जिसको पता नहीं है उसके लिए ये मैं बना रहा हूँ। आप देख पा रहे हो इस तरह ये मूंगफली है। ये आप देख पा रहे हो ये मूंगफली, ये कंप्लीट अभी 15 दिन ज़मीन में रहने के बाद ये कंप्लीट होगी। आप देख पा रहे हो ये मैंने एक मूंगफली का चोड़ ज़मीन से निकाला है। ये इसमें आप जो ये देख रहे हो ये, इसको रातड़ नाम का रोग बोला जाता है। ये पूरा फसल को बर्बाद करता है। इसके साथ साथ इसमें ईयर भी आती है। तो दोस्तों, ये अभी 15 दिन और ज़मीन में रहेगी, बाद में ये तैयार होगी। आपको मैं इसको छिलका निकाल के दिखाता हूँ किस तरह का है। इस तरह ये छिलका को निकाला जाता है और इसमें से ये देखिए, ये दाने अभी कच्चे हैं। जब ये मूंगफली कम्प्लीटली तैयार होगी तो ये अंदर का जो छिलके का अंदर का भाग है एकदम वाइट है, वो एकदम काला हो जाएगा अंदर। और ये जो हम आसानी से इसको तोड़ सकते हैं ये टूटेगा नहीं और इसका छिलका निकालने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। दूसरा भी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, इस मूंगफली का रेट बाज़ार में ज़्यादा रहता है। जब ये फार्मर किसान इसको ख़रीदारी करते हैं तो 20 किलो का रेट 2200 रुपये होता है इन दानों की कीमत। और जब ये फसल तैयार हो जाती है और ये बेचते हैं तब इसका दाम कम हो जाता है, इसलिए किसानों को इस तरह भी नुकसान ज़्यादा होता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये खाने में बहुत ही मीठा टेस्टी होता है। आइए और बात करते हैं इसके अलावा। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो इस तरह का यहाँ ये पानी का टंकी है और ये सारी दवाइयाँ जो है मूंगफली में छिड़काव के लिए वो एक डिब्बे के अंदर मिक्स की जाएगी, उसका घोल बनाया जाएगा और फिर ये जो दवाइयाँ है वो बड़ी वाली टंकी में डाली जाएगी। देखिए, अभी पानी भरा जा रहा है इस टंकी में। एक ट्रैक्टर के पीछे लगी है, इसमें दो नलियाँ लगी है, एक पंप लगा हुआ है और इसके साथ पूरी जो ये लोखंड की पट्टी है उसमें सारे वाल्व लगे हुए हैं और इस प्रेशर के कारण इस वाल्व से दवा निकलेगी और ये मूंगफली के ऊपर छिड़काव होगा। ये है पंप लगा हुआ है
इसके साथ साथ इसमें प्रेशर मशीन भी दिया हुआ है, कितना प्रेशर होता है वो दिखाता है। और ये दवा का घोल तैयार हो रहा है, सभी दवाइयाँ इसमें मिक्स की गई है जो इस रोग से रिलेटेड है। और ये छोटा सा ट्रैक्टर है, उसके ऊपर ये पंप लगाया हुआ है और एक पीछे टंकी रखी है बड़ी सी 300 लीटर की। और इसमें अभी इस दवा के घोल को डाला जाएगा, ये आप देख पा रहे हो। इसके बाद इस टंकी को पानी से भरा जाएगा और कम्प्लीटली होने के बाद इसको खेत में छिड़काव के लिए लाया जाएगा, आप देख पा रहे हो। दोस्तों ये पूरा ट्रैक्टर मशीन के ऊपर बना हुआ है। और ये जो रोग आया हुआ है उसको रातड़ बोला जाता है, ये पूरी मूंगफली को बर्बाद कर देता है, घास फूस को भी बर्बाद कर देता है, आप देख पा रहे हो। ये ज़्यादा बारिश के कारण हुआ है दोस्तों, पूरा का पूरा। इसमें वैसे तो अच्छी दिख रही मगर अंदर कुछ नहीं है। और अभी ये ट्रैक्टर दवा छिड़काव के लिए जा रहा है, देखिए वाल्व से पूरा प्रेशर आ रहा है दवा का उस पंप के द्वारा, और ये सभी जगह में छिड़काव किया जाएगा। इस तरह से इसमें आने वाले कीटक को भी मारा जाएगा और ये जो रोग आया है उसको रोका जाएगा। दोस्तों आप देख पा रहे हो, देखिए एक आदमी इस ट्रैक्टर में आगे खड़ा रहता है और ये जो डोरी के द्वारा इस पाइप को बांधा गया है उसको मेंटेन करना पड़ता है। आगे पीछे जब ट्रैक्टर होता है तो इसको मोड़ा जाता है, इसलिए एक आदमी को आगे खड़ा रहना पड़ता है। ये टेक्निक से किसान भाई है वो खेतों में मूंगफली के ऊपर दवा का छिड़काव करता है। कई किसान है जो बाइक के ऊपर भी छिड़काव करते हैं। इसके साथ साथ अभी तो एक नया रोबोट टाइप का मशीन आ गया है जो इसमें पानी भी नहीं डालना पड़ता, वो अपने आप ही कुएं से पानी ले लेता है और दवाई का एक बाल्टी रखना पड़ता है वो भी उसमें से नली के द्वारा खींच लेता है और उसी के साथ छिड़काव करता है। नेक्स्ट में आपको उसका भी वीडियो बना के दिखाऊंगा कि उसके द्वारा कैसे दवा का छिड़काव किया जाता है। अभी दोस्तों ज़्यादा बारिश नहीं है, अगर और भी बारिश होगी तो फिर किसानों के लिए बहुत ही नुकसानदायी होने वाली है। फिलहाल तो अभी रुकी हुई है बारिश। दोस्तों ये दवा छिड़काव होने के बाद एक घंटे तक में बारिश नहीं आती है तो दवा अपना काम करती है। अगर एक घंटे से दवा छिड़काव के बाद एक घंटे के पहले पहले बारिश आ गई तो सारी दवा नष्ट हो जाती है, दवा अपना काम नहीं करती है। इसलिए जब भी धूप निकलती है तो किसान भाई ये दवा का छिड़काव करते हैं मूंगफली को देख के कि भाई इसमें किस तरह का रोग है क्या है, उसी हिसाब से दवा का छिड़काव किया जाता है। अभी ये दो टंकी में पूरा खेत ख़त्म कर देगी, आप देख रहे हो मूंगफली निकल रही है। ये पहले इसका बीज लिया जाता है, फिर खेतों को तैयार किया जाता है और इसके बाद मूंगफली बारिश होते ही खेतों में बोई जाती है। इसके बाद समय समय पर बैलों के द्वारा इसमें खेती की जाती है, इसके बाद इसको पानी पिलाया जाता है और करीबन 3 महीने लगते हैं इस मूंगफली को तैयार होने में। इसके साथ साथ इसमें दवाओं का छिड़काव किया जाता है, साथ साथ नाइट में इसको कोई जानवर खा ना जाए इसके लिए भी रात्रि के दरमियान जो फार्मर लोग होते हैं वो काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हैं। दोस्तों इस मूंगफली में घास फूस होता है उसको निकाला जाता है, उसमें भी जो लेबर आते हैं उनको 300-400 रुपए की आमदनी देनी पड़ती है। वो ये सब करते करते आखिर में काफ़ी मेहनत के बाद मूंगफली की फसल तैयार होती है। हालांकि इस साल बारिश ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए मूंगफली में ज़्यादा मुआवजा नहीं होगा। बाकी फार्मर किसानों को मुआवजा होता है। इसके साथ साथ अभी ये मूंगफली की फसल करीबन एक महीने में तैयार हो जाएगी। नवरात्रि ख़त्म होते ही मूंगफली की फसल को निकाला जाएगा, फिर इसको थ्रेसर मशीन के द्वारा निकल के तैयार किया जाएगा, फिर व्यापारी लोग हैं वो खरीदेंगे इस मूंगफली को। दोस्तों इस मूंगफली से
तेल भी निकाला जाता है जो खाने के काम में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। ये चर्बी वाला ज़्यादा रहता है। इसके साथ साथ मूंगफली जो सिंग बनाने में भी काम आती है, जिसको बाज़ार में बेचा जाता है। दोस्तों ये मूंगफली जब तैयार हो जाती है, इसको निकाला जाता है, तब वो एकदम सूखी हुई नहीं होती है, तभी इसको आग में जलाकर खाने में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट होती है। दोस्तों मूंगफली से काफ़ी सारी आइटम भी बनाई जाती है जो खाने के लिए उपयोगी आती है। अभी दोस्तों ये मूंगफली का जो हरा हरा ये पत्ते दिख रहे हैं, वो ये घास फूस थ्रेसर मशीन के द्वारा अलग किया जाएगा। तैयार होने के बाद ये फार्मर लोग होते हैं, वो इन घास को अपने बैल भैंस गाय आदि को खिलाने के लिए रखते हैं, उसकी भी ज़्यादा कीमत रहती है। और इस तरह से मूंगफली बाज़ार में आती है और हम सबके पास सिंग और दूसरी आइटम के रूप में भी मिलती है और तेल के रूप में भी हमारे पास पहुंचती है। इस तरह किसान बहुत ही मेहनत करके इस मूंगफली को तैयार करता है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करता है। तो दोस्तों किसानों के लिए जय जवान जय किसान एक बार ज़रूर लिखे कमेंट बॉक्स के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मूंगफली को कैसे निकाला जाता है और इसको कैसे तैयार किया जाता है। जैसे आपका कमेंट जितना ज़्यादा आएगा उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों अगर आप वो भी वीडियो देखना चाहेंगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, तो एक मंथ के बाद वो वीडियो भी आपके सामने पेश करूँगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर आपके बहुमूल्य और कीमती प्रतिभाव मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए एपिसोड के साथ। तब तक